उत्तरी पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस ने मंगलवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सभाएं और रोड शो किया। इनमें शामिल हो रहे जनसमूहों का क्रेडिट प्रधानमंत्री को देते हुए उन्होंने खुद के राजनीति में आने के राज का पर्दाफाश भी किया। उन्होंने मुझे यही कहा था कि एक अगर आपको लगता है कि शो बिजनेस में आपको पता मैं फिल्म इंडस्ट्री में गाना मेरा म्यूजिक फील्ड अगर शो बिजनेस में सेटिस्फेक्शन वैसे तो मुश्किल से मिलनी अगर पेट भर गया है तो तमाशा बंद करके लोगों के चरणों में जाओ सेवा करो। इससे पहले मुझे पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस बारे बहुत कोई अच्छा तजुर्बा नहीं था लेकिन मोदी साहब की ज़िंदगी को देख के कि बचपन में उन्होंने हमारे लिए घर छोड़ा माँ बाप छोड़े भाई बहन छोड़े तो अब तक जब चेक करो आप चेक करो कि एक प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का वो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे सोते हैं 5 सालों में एक भी दिन ऑफ नहीं किया छुट्टी नहीं की ये मैं ठीक कह रहा हूँ। हंस अपनी सभाओं में न सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यों का जिक्र कर रहे हैं बल्कि उन पर जनता की प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं तो वहीं उनके गायक होने पर तंज करने वालों पर भी उनके जितना काम करने की चुनौती दे रहे हैं। इन सब के बीच भाजपा के अन्य नेताओं की तरह वो भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों को एक खंभे से बांध दो जो पहले तोबा करे दोनों को बांध दो फिर देखेंगे स्टैमिना किसका लोगों में वोट तो उस लीडर के हैं जो 50-50 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है उसके चेहरे हैं ये शहजादों के चेहरे हैं हंस राज हंस प्रधानमंत्री मोदी के बड़े मुरीद हैं और उन्हें अपना महबूब भी मानते हैं। शायद इसलिए वो अपने प्रचार में जहां भी जा रहे हैं वहां यही गा रहे हैं कि आजा वे मोदी तेरा रास्ता वे देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली दर्पण टीवी। आजा रे मोदी तेरा रसिका उम्मीद दिया आजा रे मोदी तेरा रसिका उम्मीद दिया।